नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तैयारियों में जुट गए हैं बीजेपी और कांग्रेस भी। कांग्रेस जो 5 वर्ष तक शासन में रही, अपने कार्यकर्ता छिटक गए थे, अब उनको एकजुट एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि प्रभारी रंधावा और डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष अब सभाएं लेते डोल रहे हैं, जिले जिलों में जाकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि 5 वर्ष का शासनकाल रहा, कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, छिटक गए, विधायकों को मंत्रियों को छूट दी, जनता ने आपकी स्कीमों को सराहा सकोरा, उसके चलते आपको काफ़ी वोट दिया, लेकिन विधायकों ने गड़बड़ किया और विधायकों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ी। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से 2 बार से हम लगातार आ रहे हैं सत्ता में, तीसरी बार भी हम आएंगे, मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी दी जा रही है। अब बात कर लें, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, 25 की 25ों 2 बार से तो बीजेपी काबिज रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी का पैर पकड़ लिया जाए, बीजेपी को पछाड़ा जाए, पूरा नहीं तो कुछ तो नुकसान किया जाए। 25 में से काफ़ी संख्या में कांग्रेस लोकसभा सीट जीतना चाहती है, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। कह रहे हैं कि जो विधानसभा में गलती की वह लोकसभा में ना हो, इसलिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। इंडिया गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन हो चुका है और अब पूरे देश में राहुल गांधी की जिस तरह से मणिपुर से 14 जनवरी से यात्रा शुरू हुई थी, भरतपुर के राजस्थान के धौलपुर भी पहुँची, मध्य प्रदेश जा रही है, तो राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भी है। और यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस दौरान हो रही है जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है इस चीज़ को लेकर। जब कोई बड़ा नेता यात्रा में उनके क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं किसी हद तक मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मोदी जी आए थे विधानसभा चुनाव अभियान में, भरतपुर आए थे, गारंटी दी थी कि डबल इंजन की सरकार यानी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान में जो ज़्यादा है उनको भी समानांतर यानी कि कम किया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में है। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा हो गए समय सरकार को, राजस्थान में बनी बीजेपी को, लेकिन अभी तक मोदी की जो गारंटी है पेट्रोल डीजल पर रेट कम करने की, वो अभी वैसी की वैसी है, कोई रेट कम नहीं हो पाई है। ये भी एक मुद्दा मुझे लगता है कि जो चर्चा में है जनता के बीच में है कि मोदी खुद गारंटी दे के गए थे विधानसभा चुनाव अभियान में और 2 महीने से ज़्यादा उनकी सरकार को हो गए राजस्थान में, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई गई है, ये भी जनता में एक चर्चा का विषय है। भरतपुर जो लोकसभा सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर। वो क्यों रखती है? क्योंकि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो भरतपुर के रहने वाले हैं। भरतपुर सीट जीतना बेहद ज़रूरी है 25 लोकसभा सीटों में, क्योंकि मुख्यमंत्री की साख बचानी है, मुख्यमंत्री की इमेज बचानी है, तो मुख्यमंत्री की यह सीट निकलनी चाहिए। इसलिए बीजेपी का फोकस, खास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस यहाँ ज़्यादा है। तो पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो ERCP जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, MOU साइन हो गया, इसको भुनाने की कोशिश भाजपा राजस्थान सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, ये लोग जुटे हुए हैं, पूरी राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं रोजाना जिलों जिलों में जाकर के, और ये भुना रहे हैं कि हमने ERCP काम जो लंबित था, जो गारंटी दी थी मोदी ने डबल इंजन की सरकार बनते ही ERCP को पूरा कर देंगे, तो हमने पूरा कर दिया, पैक्ट हो चुका है और अब धन्यवाद सभा का आयोजन जिले बाई जिले पूर्वी राजस्थान में किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का भी पलटवार है, सचिन पायलट आए थे, उन्होंने पलटवार किया कि MOU जो साइन हुआ है वह सदन में नहीं रखा गया है, बगैर रखे हुए ही चर्चाएँ की जा रही हैं। MOU में क्या किस स्टेट को कितना शेयरिंग है पानी की, उसको नहीं बताया गया है। MOU जो पैक्ट हुआ है वो साइन क्या हुआ है, उसमें क्या क्राइटेरिया है, कितना पानी किसको मिलेगा, किसका क्या शेयर है, समयावधि क्या है, कब तक कहां पानी पहुंचेगा, कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, किस जिले को कहां क्या जाएगा, इसका जो ढांचा है उसका खुलासा भी
बीजेपी सरकार को करना चाहिए कि पैक्ट हुआ है तो उसका खुलासा भी होना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार इसका खुलासा नहीं कर रही है कि MOU आखिर हुआ है तो उसका ढांचा क्या है। उसको सदन में रखना चाहिए था, लेकिन जो भी हो ERCP का श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी इस चुनाव में राजस्थान में ज़रूर करेगी और कर रही है, जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में यात्राएं चल रही हैं, धन्यवाद यात्राएं। देखिए, कई वर्षों से लगातार ERCP पेंडिंग रहा जो कि पूरा नहीं हो पाया। उसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी तब ERCP पूरा करेंगे। अब सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार के इंतज़ार में राजस्थान की जनता को कई वर्षों से प्यासा रहना पड़ रहा है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। सरकार राजस्थान में चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, लोग तो वही हैं, जनता वही की वहीं रहती है, राजस्थान के प्रदेशवासी हैं। और श्रेय लेने के लिए अगर राजस्थान की जनता को 5 साल 4 साल 3 साल लटकाया जाए, प्यासा रखा जाए, तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि राजस्थान की जनता का भला करना ही, उनका विकास करना ही किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है, चाहे वो किसी भी की पार्टी हो। लेकिन श्रेय लेने के लिए अगर उनको उस मुद्दे को पेंडिंग रखा जाता है, उनको प्यासा रखा जाता है, तो ये भी गलत बात है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार आई, MOU साइन हो चुका है ERCP को लेकर, लेकिन वह धरातल पर मूर्त रूप कब लेगा ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसमें 1 साल लगेगी 4 साल लगेंगे 5 साल लगेंगे 10 साल लगेंगे, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि फला फला ज़िले में इतना इतना शेयर पानी इस टाइम तक आ जाएगा, फला फला जो डैम है वो इस टाइम तक पानी भर जाएंगे, ये जो कैनाल है उनका दुरुस्तीकरण कराया जा रहा है या कराया जाएगा, फलाने फला कैनाल के जरिए फलाने फलाने इलाके में पानी पहुँचेगा, इस चीज़ का भी खुलासा होना चाहिए जो शायद अभी तक नहीं हो पाया है। अब हम बात कर रहे हैं भरतपुर लोकसभा सीट की। भरतपुर लोकसभा सीट जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री की इमेज पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से चुनाव बीजेपी हारती है तो मुख्यमंत्री की इमेज ख़राब होती है, और जीतती है तो मुख्यमंत्री की इमेज बनती है। अब सवाल यह कि टिकट आप किसको देंगे? बताया तो जा रहा है कि रंजीत अकोली जो सिटिंग MP हैं बीजेपी की, उनको ही रिपीट किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ये जो जिला है भरतपुर, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है ये सीट, जाट बाहुल्य इलाका है, सब ज़्यादा जाट मतदाता, उसके बाद SC हैं, उसके बाद इस हिसाब से सभी हैं, गुजर हैं, सैनी हैं, ब्राह्मण हैं। लेकिन आरक्षण केंद्र में OBC में आरक्षण को लेकर जाट नाराज हैं, और ये अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि अगर आचार संहिता से पहले आरक्षण नहीं मिलता है भरतपुर धौलपुर डीग जिले के जाटों को, तो फिर जाट समुदाय बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगा, बीजेपी को वोट ना दें। इस बात के गंगाजल से वो लेकर हाथ में लेकर वो कसम भी खा चुके हैं और ये अभियान शुरू करेंगे अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो, कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं हो, बीजेपी को वोट नहीं दी जाए। अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो फिर सीधी सी बात है कि जाट समुदाय जो बहुतायत में यहाँ है, मतदाता है, वह सीधा सा बीजेपी के सामने खड़ा हो जाएगा और बीजेपी का विरोध करेगा, बीजेपी को वोट नहीं दिया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लोकसभा सीट पर हो सकता है। इसके अलावा सैनी माली कुशवाहा जो कम्युनिटी है, वो भी आरक्षण की मांग को लेकर लालायित है, काफ़ी समय से आंदोलनरत भी, अभी भी अल्टीमेटम दे चुके हैं, वो भी नाराज़ हैं कहीं ना कहीं। गुर्जर समुदाय की अगर बात करें तो गुर्जर समुदाय में भी एक चीज़ ये चल रहा है जो समाज में चर्चा है, हम सुनते हैं कि जो सरकार बनी है उसमें गुर्जर समुदाय को ज़्यादा मंत्री नहीं दिए गए हैं, जितना उनकी जनसंख्या है गुर्जरों की उस हिसाब से मंत्री उनके उन समाज के नहीं बनाए गए हैं। मीणा समुदाय भी कहीं ना कहीं ज़्यादा खुश नहीं है बीजेपी सरकार से, राजस्थान से, क्योंकि किरणलाल मीणा को मंत्री बनाया गया है, जिसको वो काफ़ी ऊपर देखना चाहते थे, वो भी उनके मंत्रालय भी इस तरह के ज़्यादा मजबूत नहीं दिए गए हैं, तो उस चीज़ से मीणा भी नाखुश हैं। अभी हाल ही में मैं एक सोशल मीडिया पर एक चीज़ देख रहा था, वहाँ शेखावाटी का था, उसमें चल रहा था कि शेखावाटी में बीजेपी कमज़ोर रही, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हावी रही, यही कारण है कि जो तबादले हो रहे हैं उसमें जाट अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। तो जाटों में कहीं ना कहीं निराशा इस चीज़ को लेकर भी शेखावाटी में हो रही है, भरतपुर धौलपुर डीग में आरक्षण को लेकर हो रही है, वो भी एक शायद काम करेगा फंडा। अब देखिए, तबादलों की अगर बात करें तो 2 महीने में जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, हम देख रहे हैं रोज़ाना तबादले हो रहे हैं।
अधिकारियों भी कंफ्यूज हैं कि आज हमारा तबादला यहाँ हो गया, ज्वाइन कर ली, दूसरे दिन फिर उसका तबादला दूसरी जगह हो जाता है, वहाँ ज्वाइन कर लेता है, तीसरी जगह फिर तबादला हो जाता है। आखिर हो क्या रहा है? तबादला स्थायी रूप से क्यों नहीं हो रहा है? अगर एक अधिकारी का एक बार तबादला हो जाता है, वो ज्वाइन भी कर लेता है, तो उसका दो और तीन बार वहाँ से फिर तबादला कर दिया जाता है। ये तबादलों का स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है। एक लिस्ट आती है, फिर उसी पर दूसरी लिस्ट आ जाती है, फिर तीसरी लिस्ट आ जाती है। आखिर ये तबादले लगातार एक ही एक अधिकारियों के क्यों हो रहे हैं? एक लिस्ट निकालने के बाद फिर उसी चीज़ की दूसरी लिस्ट निकल रही है। क्या पहली लिस्ट जब आप निकालते हैं, पहले तबादले जब आप करते हैं, तो लगता है कि सोच समझ कर करते हैं, फिर कोई विश्लेषण किया जाता है, या फिर आपसी मंत्रियों का, विधायकों का कोई दबाव होता है, फिर दूसरी लिस्ट उसी पर निकाल दी जाती है, फिर नाराज़गी देखी जाती है, फिर तीसरी लिस्ट निकाल दी जाती है। तो अधिकारी भी तबादलों को लेकर संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भैया आज हमने ज्वाइन कर लिया है, तबादला हो गया है, जा कर के ज्वाइन कर रहे हैं, पता लगता है आज ज्वाइन किया है, दूसरी सुबह फिर लिस्ट आ जाती है, फिर वहाँ से बिस्तर बोरी लेकर चलना पड़ता है। तो देखिए, स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है। और ये अगर हम बात करें भरतपुर ज़िले की, उद्योग धंधे यहाँ 20-25 वर्षों से नहीं है, जो भी फैक्ट्रियाँ थी वो बंद पड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के हैं, लेकिन भरतपुर में रोज़गार के लिए आप क्या देंगे, क्या इंडस्ट्री शुरू करने वाले हैं या करेंगे भविष्य में 5 साल के अंदर, उसका कोई भी प्रोपोगंडा, कोई भी ढांचा नहीं बनाया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनाने बहुत बड़ी बीजेपी की उपलब्धि है, इसमें कोई शक भी नहीं है। राम मंदिर जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला था, वो समाधान हो गया, और कई वर्षों से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, इस देश के करोड़ों लोग, आस्था जिनकी जुड़ी हुई थी कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, निर्माण हो गया अयोध्या में, इस बात की खुशी पूरे देश में है, क्योंकि करोड़ों लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आस्था भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन भूख प्यास और बेरोज़गारी से राहत भी बहुत ज़रूरी है। एक कहावत चलता है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखे तेरे कंठी माला। जब इंसान भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, तो फिर वो भजन कैसे कर पाएगा? भजन वही व्यक्ति कर पाता है जो भरपेट भोजन कर लेता है, पानी पी लेता है, प्यास बुझा लेता है। भूखा प्यासा कभी भी सही रूप से, सही मन से भजन नहीं कर पाता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भूख प्यास मिटाना बहुत ज़रूरी है, बेरोज़गारी से राहत बहुत ज़रूरी है। किसान जिस तरह से आंदोलनरत हैं दिल्ली आने के लिए, 13 महीने पहले भी वो कर चुके हैं, आज भी 14-15 दिनों से लगातार जंग लड़ रहे हैं, दिल्ली में एंट्री नहीं हो पा रही है, MSP को लेकर पूरा माहौल कई वर्षों से चला हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन का प्रभाव भी लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव, हम राजस्थान पर्टिकुलर बात करें और खासकर भरतपुर लोकसभा सीट की, धौलपुर लोकसभा सीट की, पूर्वी राजस्थान की जो भी लोकसभा सीट हैं, वहाँ आस्था बहुत ज़रूरी है, आस्था से सभी की भावना जुड़ी हुई है। लेकिन आस्था पर भारी पड़ेगा प्यास, आस्था पर भारी पड़ेगी भूख, और आस्था पर भारी पड़ेगी बेरोज़गारी। क्या इन तीनों चीज़ों का समाधान बीजेपी सरकार करती है, लोगों को विश्वास में लेती है? करती है तो कब तक करती है? इस पर क्या एक्शन होते हैं, क्या रणनीति बनाती है, पॉलिसी क्या होती है बेरोज़गारी को दूर करने की? ERCP का आपने पैक्ट कर लिया, लेकिन उसका खुलासा भी होना चाहिए। MOU का जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसमें आखिर MOU में है क्या, पैक्ट क्या है, वाटर शेयरिंग का मामला क्या है, वो भी होना चाहिए। और रोज़गार होना चाहिए। भरतपुर, धौलपुर, करौली अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान में, बेरोज़गारी का आलम ज़्यादा है, क्योंकि उद्योग धंधे नहीं हैं, NCR की वजह से भी नहीं है, TTZ की वजह से भी नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। NCR से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन उद्योग धंधे खत्म हो गए। तो इसलिए बहुत मुश्किल है और बहुत कुछ सोचना पड़ेगा भजनलाल शर्मा को कि बेरोज़गारी पर लगाम कैसे लगे, उद्योग धंधे कैसे स्थापित हों तो किस तरह से हों और कब तक हों। ERCP की आप बात तो करें, पैक्ट हो गया, लेकिन पानी लोगों को कब तक मिलेगा? JJM की जो बात की जाती है, केंद्र सरकार का मिशन था 2024 तक हर घर तक नल जल पहुंचाना है, लेकिन आज आलम आप देखिए, भरतपुर जिला मुख्यालय से ही महज 8 और 10 किलोमीटर के दायरे में जो गांव हैं, वहां लोगों को
800 रुपये या 1000 रुपये में पानी का टैंकर लाना पड़ता है। पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं, लाइन बिछाई जा रही हैं JJM के जरिए, लेकिन पानी कब तक पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है टैंकर के जरिए। जब आपका JJM जिला मुख्यालय से 8-10 किलोमीटर के दायरे में ही लॉन्च नहीं हो पाया है, कार्यान्वित नहीं हो पाया है, लोग प्यासे रह रहे हैं, पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं, सिंचाई की बात तो करना ही बेकार है, तो JJM का जो मिशन है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ERCP का पानी लोगों को बहुत जल्दी उनके कंठ को तर कर देगा या उनकी फसलों में सिंचाई कर देगा? कर सकता है, ये प्रक्रिया है, पॉजिटिव भी होना चाहिए, ERCP का समाधान भी है, ERCP का पैक्ट हो चुका है, तो सबको विश्वास है कि पानी पहुंचेगा, पानी पीने के लिए भी पहुंचेगा और सिंचाई के लिए भी पहुंचेगा। लेकिन लोगों में ये आशंका है, लोगों को ये समझाना होगा, सरकार को ये बताना होगा कि भाई आपके पीने के लिए पानी ERCP द्वारा, सिंचाई के लिए पानी ERCP द्वारा इतने टाइम तक पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है, पहुंच सकता है। तो आम जनता भी पूर्वी राजस्थान की इस बात को लेकर सिक्योर हो जाएगी कि भैया इतने टाइम तक पानी हमें मिल जाएगा। और इतने टाइम दुख उठाया है, परेशानी उठाई है, पानी की समस्या के उठाई है, तो पानी की समस्या का समाधान इतने वर्ष तक हो सकता है। तो ये सारे फंडे लोकसभा चुनाव में सामने आएंगे।